हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हम सबके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल अभी। गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट बैनमो इंश्योरेंस। गाइस, बैनमो इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कैसे आप बैनमो इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हो। दे आर लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन, दे आर लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म जो आपको बैनरी ट्रेडिंग की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती है, बट दे आर वेरी फ्यू एप्लीकेशन और वेरी फ्यू प्लेटफॉर्म जो आपको अपना हारा हुआ पैसा का कुछ प्रतिशत वापस करती है। बैनमो का जो इनिशिएटिव है मुझे काफी अच्छा लगा, जिसमें आप अपने पैसे का कुछ प्रतिशत वापस ले सकते हो। किस तरीके से आप क्लेम कर सकते हो, सिर्फ डिपॉजिट से नहीं होगा, आपको एक प्रोसेस करनी पड़ेगी, बिल्कुल छोटी सी है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं दिस वीडियो, डिटेल वीडियो होने वाली है, पूरी देखना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। प्लस एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर आप बैनमो में रजिस्टर करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो बैनमो को, टर्नओवर जो है इसका अगर आप बोनस यूज करते हो तो आपको लिमिटेड टर्नओवर जो है वो कंप्लीट करना पड़ता है बिफोर टेकिंग विड्रॉल। अगर आप लिमिटेड टर्नओवर जो है उसको और कम करना चाहते हो या फिर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लेना चाहते हो, फास्ट विड्रॉल लेना चाहते हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप जाके कर सकते हो डाउनलोड और यूज कर सकते हो बैनमो को। और चीज बताना चाहूंगा यार, लोगों के मन में ना मिथ है इसको लेके, इंश्योरेंस को लेके, सारी चीजें इसी एक वीडियो में क्लियर होने वाली है। लास्ट तक देखना, सब्सक्राइब करो चैनल को, नहीं किया है अगर अभी तक सब्सक्राइब आपने, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो। तो वीडियो को लाइक करो और आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की। बात कर लेते हैं बायनमो के इंश्योरेंस पॉलिसीज की टर्म्स एंड कंडीशंस की। यार, यहाँ पे कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस हिडन नहीं होने वाली है, ट्रांसपेरेंसी का मैं पूरा ध्यान रखने वाला हूँ। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ इस प्रकार से है, अगर आप डिपॉजिट करते हो $200 से $500 तक की अमाउंट, तो आपको क्या क्या सर्विसेज मिल जाती है। तो आप इसका 20% बैक ले सकते हो फ्रॉम कंपनी, अगर आप 20% का जो बोनस है वो वापस ले सकते हो। प्लस यहाँ पे जो है 40 का लेवरेज होता है, लेवरेज क्या है इसके बारे में डिस्कस करूंगा वीडियो के लास्ट में। बट अगर आप डिपॉजिट करते हो 500 से लेके $1000 की अमाउंट, तो यहाँ पे आपको 20 की जगह 40% बोनस बैक मिल जाता है, जिसके लेवरेज साइज भी 40 का ही होता है। सो गाइस, अगर आप डिपॉजिट करते हो 1000 से $2000 तक का अमाउंट, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 10% आपका रियल मनी बैक और आप ले सकते हो 50% बोनस। तो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, अगर आप 1000 से 2000 के बीच में डिपॉजिट करते हो बैनमो के अंदर, तो आपको इंश्योरेंस किस तरीके से आप क्लेम कर सकते हो, आप अपना डिपॉजिट अमाउंट का 10% रियल मनी अपने अकाउंट में ले सकते हो डायरेक्टली। और द सेकंड कंडीशन इज, अगर आप वो नहीं लेना चाहते, अगर आप यूज करना चाहते हो बायनमो को फर्दर, तो आप 50% बोनस वापस ले सकते हो, जो भी आपने बोनस लिया था उसका 50% आप वापस ले सकते हो बायनमो की तरफ से। अब बात करते हैं 2000 एंड अबव से, 2000 और उसके ज्यादा जो लोग इन्वेस्ट करते हैं बायनमो के अंदर, तो उनको क्या क्या सर्विसेज मिलने वाली। भैया, वो अपना 15% अमाउंट ले सकते हैं बायनमो से, यानी आप क्लेम कर सकते हो 15% अमाउंट आपके टोटल अमाउंट का। टोटल अमाउंट जैसे सपोज कीजिए आपने $3000 इन्वेस्ट किया, तो $3000 का 15% आप अपने अकाउंट में डायरेक्टली ले सकते हो इस इंश्योरेंस से। अब कुछ लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि भैया जो इंश्योरेंस है इसके लिए क्या आपको कुछ पे करने की जरूरत पड़ेगी। जी नहीं, आपको बिल्कुल भी कुछ पे करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब बात करते हैं लेवरेज की, जो लेवरेज मैंने पॉइंट छोड़ा था, लेवरेज क्या है। देखिए गाइस, अगर आप बायनमो से ना कूपन कोड यूज करते हो ना, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टर्नओवर आपको कंप्लीट करना होता है। एक टर्नओवर होता है जहां पे अगर आप, जैसे आप बायनमो से यूज कर रहे हो, आपने बायनमो में कूपन कोड यूज कर लिया 100% बोनस का, तो यहाँ पे अगर आप 40 के लेवरेज से हो, तो 40 × 40, यानी अगर आपका जितना अमाउंट है, अगर आपने $40 इन्वेस्ट किया है, तो 40 × 40 यानी आपको $1600 का टर्नओवर कंप्लीट करना पड़ेगा। अब टर्नओवर क्या है वो मैं समझा देता हूँ। टर्नओवर ये मतलब नहीं है टर्नओवर का कि आपके आपको $1600 का प्रॉफिट लेना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। टर्नओवर का मतलब है कि अगर आप $40 इन्वेस्ट करते हो, तो 40 के लेवरेज पे अगर आप जो है बोनस लेते हो 100% का, तो इसमें क्या हो जाता है कि $1600 की डील आपको करनी पड़ेगी, डील्स आपको करनी पड़ेगी $1600 तक की। और अगर ये डील्स आपको रिड्यूस करनी है, अगर आप ये जो टर्नओवर है इसको कम करना चाहते हो, बर्डन को कम करना चाहते हो, बोनस अच्छे से यूज करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो और इस
ये जो बोनस का जो चक्कर है ना, इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हो, इसका बर्डन रिड्यूस कर सकते हो अपने ऊपर से। बिल्कुल, ये स्पेशल बेनिफिट्स आपको सिर्फ मेरे लिंक से मिलने वाले हैं। तो अब बात करते हैं, अगर आप लेवरेज यूज करते हो, अगर आप बोनस वापस ले लेते हो कंपनी से, तो आपको उस बोनस से आप ट्रेड ले सकते हो और उसे विनिंग अमाउंट को आप जो है 40 के लेवरेज के हिसाब से विड्रॉ ले सकते हो। बिल्कुल, ये आपकी कंडीशंस है अगर आप बायनोमो का इंश्योरेंस को क्लेम करते हो। अब बात करते हैं कौन कौन ये बायनोमो का जो इंश्योरेंस है वो क्लेम कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो यार गाइस, ये जो इंश्योरेंस है ना पॉलिसी, ये हर किसी के लिए नहीं है। सिर्फ ये जो इंश्योरेंस है उन लोगों के लिए है जिनका अकाउंट वीआईपी एक्सेस के साथ है। अगर आप वीआईपी ट्रेडर हो बायनोमो की प्लेटफॉर्म के, तो आप यूज कर सकते हो इस सर्विस को। इस सर्विस को यूज करने के लिए आपको करना क्या होगा, अब ये बात करते हैं। यार सबसे पहले बताता हूँ, कुछ लोग होंगे जो बोल रहे होंगे हम वीआईपी यूजर्स नहीं है, क्या हम इसे यूज कर सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। माफी चाहूंगा, वीआईपी यूजर्स आपको होना जरूरी है। यहाँ पे डायमंड का स्टेटस, वीआईपी का स्टेटस आपके पास होना जरूरी है, उसके बाद ही आप ये यूज कर पाओगे सर्विस को, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। बायनोमो की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ठीक है, उनके हिसाब से जो पैसा वापस भी दे रहे हैं आपको, तो जो वीआईपी एक्सेस है वो आपको होना जरूरी है। इसके काफी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, प्रोफेशनल मैनेजर्स आपको मिल जाते हैं, जो हाई रेट मिल जाते हैं आपको करेंसीज पे, यानी आप किसी करेंसी पे ट्रेड लेते हो तो वहां पे जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है आपके पास ज्यादा मिलेगा। फास्ट विड्रॉल आपको बहुत जल्दी फास्ट विड्रॉल मिल जाता है, वो तो आप लिंक से करोगे तो भी मिल जाएगा आपको। तो देर आर लॉट्स ऑफ फीचर्स जो है वो अनलॉक हो जाते हैं अगर आप वीआईपी एक्सेस ले लेते हो। लेकिन मैं आपको कोई प्रेशर नहीं करूंगा वीआईपी का जो स्टेटस है वो लेने के लिए। अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हो, आप बिल्कुल फ्रीली ले सकते हो। बट अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो इतना मैं नहीं प्रेशर करूंगा, आप करो। लेकिन अगर आप करते हो तो आपको ये जो फीचर्स है मिल जाते हैं इंश्योरेंस के तौर पे। अब बात करते हैं ये इंश्योरेंस आप कैसे क्लेम कर सकते हो। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको मेल करना है बायनोमो को। अगर आप वीआईपी यूजर हो बायनोमो के, तो आपको मेल करना है support@bayonomo.com। उनको मेल करना है, उनको मेल करके ये बोलना है कि दिस इज माय आईडी, यहां पे मेरी बायनोमो की आईडी है और मैंने जो है इतना अमाउंट जो है डिपॉजिट कर दिया है, यू कैन चेक, और मुझे जो है इंश्योरेंस चाहिए। तो वो आपको कंफर्मेशन दे देंगे कि आपका जो है इंश्योरेंस एक्टिवेट कर दिया गया है। बिल्कुल फ्री सर्विसेज है, यहां पे आपको एक रुपए भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री सर्विसेज है। आपको बस एक मेल करना होगा support@bayonomo.com पे, और वहां से जैसे ही लिखा हुआ जाता है कि ओके वी कंफर्म्ड दैट आपका जो अकाउंट है उसमें इंश्योरेंस है वो एक्टिवेट कर दिया गया है, तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपको कोई प्रॉब्लम करने की, कोई भी इश्यू जो है वो फेस नहीं होंगे इन फर्दर फ्यूचर। तो आपका जैसे ही आपको, उसके बाद आपको कॉन्टेक्ट भी कहीं नहीं करनी, जैसे ही आपको इंश्योरेंस जब क्लेम करना होगा, जैसे ही आप अमाउंट जो है वो लॉस कर जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है ऑप्शन आ जाएगा कि आप क्या चूज करना चाहते हो, आपका जो मनी वापस लेना चाहते हो या फिर आप जो है बोनस बैक लेना चाहते हो, ये सारी चीजें। तो अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो ये चीज नहीं कर सकते, यानी ये कंडीशन है, उस कंडीशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कौन सा ऐसा तरीका है जो यूज करने के, जो होने के बाद आप यहां से इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते हैं? तो गाइस वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। अगर आप अपना डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट में से प्रॉफिट करके विड्रॉ ले लेते हो, उसके बाद आप इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते। बहुत आसान भाषा में समझाना चाहूंगा, अगर आप $200 डिपॉजिट करते हो इन दिस प्लेटफॉर्म बायनोमो पे, $200 डिपॉजिट करते हो आपने support@bayonomo.com पे, अगर आप उन्हें बता भी चुके हो कि भैया मैं यहां पे डिपॉजिट कर चुका हूं $200 और मैं यहां पे डिपॉजिट करने के बाद मुझे जो इंश्योरेंस है वो एक्टिवेट कर दो मेरे अकाउंट में, तो उन्होंने वो क्या करेंगे, आपके अकाउंट में इंश्योरेंस एक्टिवेट कर देंगे। उसके बाद $200 के बाद आपको क्या है, ट्रेड लेनी है। तो अगर आप वहां पे ट्रेड लोगे और ट्रेड लेके आपने प्रॉफिट ले लिया और प्रॉफिट लेके उसका विड्रॉ ले लिया, तो उसके बाद आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को यूज नहीं कर पाओगे। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप विड्रॉ ले लेते हो तो आप इसको यूज नहीं कर पाओगे, अगर आप लॉस कर जाते हो तो आप इसे यूज कर सकते हो, अदरवाइज इसका कोई ऑप्शन और नहीं है। सपोज करो आपने $300 डिपॉजिट किए, उसमें से आपने $200 का लॉस कर दिया, तो आप इसे यूज कर सकते हो डेफिनेटली। लेकिन अगर आप $300 डिपॉजिट करके $50 का विड्रॉ ले लेते हो तो आप इसे यूज नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सिंपल सी और ट्रांसपेरेंसी वाली कंडीशंस हैं। जितनी कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं, इसके अलावा कोई ऐसी कंडीशंस नहीं है जो हिडन है। सारी चीजें मैंने वीडियो के अंदर ओपनली आपसे डिस्कस कर ली है, क्योंकि बायनोमो से रिगार्डिंग काफी लोगों का कंसर्न रहता है, बोनस से रिगार्डिंग जो टर्नओवर क्या कंप्लीट करना होता है क्या नहीं, और काफी सारे जो कंसर्न बायनोमो से रिगार्डिंग लोगों के रहते ही रहते हैं। तो ये सारे जो कंसर्न है, ये सारे उम्मीद करता हूं मैंने काफी ज्यादा आपको सॉल्व करने की कोशिश की होगी कि किस तरीके से आप बोनस का लेवरेज से मल्टीप्लाई करके उसको काउंट करके आपको जो है डील्स करनी होती है, जिसको एक टर्नओवर के नाम से बोला जाता है। और ये जो बड़े बड़े अकाउंट्स होते हैं वो डेफिनेटली बोनसेस लेते ही हैं, उनको पता है टर्नओवर जो है कंप्लीट हो ही जाता है। जो छोटे अकाउंट्स हैं उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है काफी टर्नओवर को कंप्लीट कर पाना। तो ये जो कंडीशंस हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो भी डाली हुई है, आई बटन में इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं
डायनामो बोनस के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। कुछ क्वेरीज होती हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जो है कोशिश करूंगा सारी कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। उसके बाद अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, किसका वेट कर रहे हो। सब्सक्राइब करो चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।